हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक। आज मेरे पास जितने भी मेकअप ब्रशेस हैं जो कि अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली से लेकर हाई एंड, तो जितने भी मेकअप ब्रशेस हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं उसकी क्या प्राइसेस है, ये मेकअप ब्रशेस मैंने कहां से ख़रीदे हैं, आप कहां से ख़रीद सकते हैं, सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सबसे पहला ही जो मेकअप ब्रश है मैंने रिसेंटली उस पर एंटायर वीडियो बनाया है जो मैंने अमेज़ॉन से लिया है, और मेरा जो रिव्यू है, एक्सपीरियंस है, मैंने इसे वॉश करके भी आपको दिखाया है। मेरे आगे भी जो वीडियोस मैंने मेकअप ब्रशेस के अभी तक जितने भी बनाए हैं उसमें मैंने ट्राई किए हमेशा कि मैं आपको वो मेकअप ब्रशेस को आपके सामने ही वॉश करके दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि इसमें से कोई फॉल आउट होता है कि नहीं होता है, उसका हैंडल और वो सब का क्या है क्वालिटी, वो सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ये फाउंडेशन बफिंग ब्रश के बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। आई नो कोई नहीं करने वाला, बट मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपको बता दे रही हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये वाला ब्रश बहुत ही अफोर्डेबल है और काफ़ी डेंस है, काफ़ी अच्छा है, और मेरे पास जितने भी मेकअप ब्रशेज़ हैं उसमें से सारे वीगन है, यानी कि किसी में भी एनिमल्स के रियल हेयर नहीं है, ये आर्टिफिशियल हेयर है और हमें बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है ये ब्रश को लेके। तो अगर आपको बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, फाउंडेशन या फिर कंसीलर, आपको पाउडर ब्रश की तरह या फिर आपको कॉन्टोर या ब्लश ब्रश की तरह यूज़ करना है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। तो मैं डेफिनेटली ये वाला ब्रश आपको रेकमेंड करूँगी। अब नेक्स्ट, ये जो ब्रश सेट है ये आप हमेशा मेरे वीडियोस में देखते हैं, जिसे मैं हमेशा यू नो फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, भी आप फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, इसे ब्लेंड कर सकते हो। ये वाला जो ब्लश ब्रश है एंड कॉन्टोरिंग ब्रश है, आप कंसीलर भी इससे सेट कर सकते हो पाउडर ब्रश की तरह। एंड ये वाला जो डिटेलिंग ब्रश है ये आप इनर कॉर्नर्स में हाईलाइट कर सकते हो, अंडर आइज में भी, आपकी काजल या आई शेडो है उसे आप स्मोकी इफ़ेक्ट दे सकते हो, इससे आप स्पॉट कंसीलिंग भी कर सकते हो। तो ये जो चार मेकअप ब्रशेस है ये है फ्रॉम पूना स्टोर, एंड ट्रस्ट मी, मैं इतनी सरप्राइज हो गई हूँ, अमेज़ॉन पे करीबन 3 या 4 साल के बाद ये वाला जो ब्रश सेट है ये वापस आया है। एंड गाइज, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगी जो वाला मैंने ये ख़रीदा था। मैंने अगेन ये वाले ब्रश सेट पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप इसे ग्रैब कर लो, ये लाइफ टाइम चलेंगे आपको। ये वाले जो ब्रश है देखो, इसका हैंडल कुछ भी कहीं से कुछ नहीं हुआ है, और मैंने करीबन 10,000 बार इसे वॉश कर लिया हुआ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी 8-10 दिन में ये ब्रशेस को वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर मेकअप करती हूँ वीडियोस के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो मुझे ब्रशेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मुझे बार बार क्लीन करने पड़ते हैं। ये बेसिकली रियल टेक्निक जो US का ब्रांड है उसके ये डूप्स है, एंड अमेजिंग अमेजिंग इसकी क्वालिटी है, एंड बहुत ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल है। अच्छा, इसमें ना 2 सेट्स आते हैं, मैंने ये वाला सेट लिया, एक और जो सेट आता है ना उसमें आई मेकअप ब्रशेस भी आते हैं, तो अगर आप वो चाहो तो वो भी ले सकते हो, सिर्फ फेस के लिए चाहिए तो आप ये 4 वाला भी ले सकते हो। लेकिन अगर ये वाला ब्रश मेरे पास नहीं है ना तो भाई, मतलब मेरी सांस रुक जाती है, मतलब ये मेकअप के लिए ऑक्सीजन है बिल्कुल, ऐसा आप कहो तो गलत नहीं होगा। तो मैं आपको ये हाईली रेकमेंड करूँगी, ये वापस आ चुके हैं स्टॉक में गाइज, इसे ग्रैब कर लीजिए वरना ये फिर से डिसकंटिन्यू हो गए। इतनी अमेजिंग क्वालिटी के बजट फ्रेंडली मेकअप ब्रशेज शायद आप मिस कर दोगे। ये है रियल टेक्निक के डूप्स, और ये वाला मेकअप ब्रश आपने बहुत ज़्यादा मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा। ये है रियल टेक्निक का ओरिजिनल ब्रश, ये है पाउडर ब्रश, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी है, और मैंने इसे शायद फ्लिपकार्ट से या इस तरीके से लिया था, मैंने जहाँ से भी लिया था, मैं आपको लिंक दे दूँगी सारे नाम के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वो ढूंढने में, लिंक्स को शॉर्ट करने में करीबन आधा घंटा लग जाता है, तो मैं आपको इजी पड़े इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ ढूंढ के लिंक्स रखती हूँ, तो गाइस प्लीज़ चेक कर लिया करो। तो ये ब्रश अगेन आप देखोगे आर्टिफिशियल, इसके ब्रिसल्स है, काफ़ी ज़्यादा डेंसड है, देखिए ये इतना बड़ा मेकअप ब्रश, ये नीचे से भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से ये रहता है इस तरीके से,
इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, कहीं से कुछ टूटा फूटा नहीं है। एक बार आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, पूरी लाइफ आपको कभी और कोई पाउडर ब्रश में पैसा नहीं डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ये जो मेकअप ब्रश सेट है वो है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, जिस पर भी मैंने पूरा डेडिकेटेड एंटायर वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक आपको दे दूंगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसके क्या क्या यूजेस हैं वो जानने हैं, क्या क्वालिटी है, इसको भी मैंने कैमरा पे वॉश करके आपको दिखाया है क्या क्वालिटी है सब कुछ। तो ये ब्रशेज़ है, ये सेट में भी मिलता है एंड ये इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग भी मिलते हैं, तो आप उस तरीके से भी खरीद सकते हो। जैसे कि आपने ये वाला फाउंडेशन ब्रश ले लिया है और आप चाहते हो कि महक रियल टेक्निक का 800-900 हज़ार का, ये तो ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये रीज़नेबल है, एंटायर लाइफ चलने वाला है तो सोचो एक साल का ये कितना पड़ेगा आपको। बट फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, तो वो सिर्फ ये वाला पाउडर ब्रश भी स्विस ब्यूटी का अलग से ले सकते हैं। तो अलग वाले लिंक्स जो है ना वो भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाउडर ब्रश हो गया, फाउंडेशन बफिंग ब्रश हो गया, ये स्पूली है, डबल साइडेड है, ये आई शेडो ब्रश है, ये पेंसिल ब्रश जैसा है जिसको आप स्मोकी आईज कर सकते हैं इससे, या फिर आप ब्लेंड भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्लफ़ी है, ये भी आई शेडो ब्रश है। ये कंप्लीट सेट है, बहुत ही क्लासी है, बहुत ही सुंदर है, क्वालिटी अमेजिंग है, इसका ग्रिप भी अमेजिंग है, ये कहीं से निकला हुआ है। कोई भी मेरे पास, मैं जितने भी आपको बताऊँगी अभी मेकअप ब्रशेस पूरे वीडियो में, कोई भी किसी के हैंडल वैंडल कुछ अलग नहीं हुए हैं, ना ब्रिसल्स अलग हुए हैं, ये बार बार वॉश होते हैं फिर भी आपके सामने है। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी अगर आपको कोई डिसेंट सा मेकअप ब्रश सेट चाहिए, एंड बहुत ही अच्छे से ये पैक होके आता है, तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो एंड किसी से आप गिफ्ट में मांग भी सकते हो। अब नेक्स्ट ये आप देख रहे हो मर्मेड जैसा, बहुत ही सुंदर इसके हैंडल है। एक्चुअली ना ये ब्रांड ने मुझे भेजा था पूरा सेट, अब इसके फेस मेकअप ब्रशेस शायद मैंने कोई सब्सक्राइबर को गिव अवे कर दिया है, मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, पर ये वाले जितने ब्रशेस मेरे पास है मैं आई मेकअप में इसे ऑलवेज यूज़ करती हूँ, तो इसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी कंप्लीट सेट का। ये भी बहुत ही एक तो सुंदर दिखते हैं और साथ साथ ये फंक्शनल यानी कि काम भी अपना बहुत अच्छे से करते हैं, एंड क्वालिटी का तो क्या कहना। देखो 5-1 साल हो गए होंगे, मैंने एंटायर वीडियो इस पर बनाया हुआ है और अभी तक इसका कोई भी, देखो गोल्डन कलर ना ही डल हुआ है, ना कोई ब्रिसल निकला है, ना हैंडल अलग हुए हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं आया है। तो आपके पास थोड़ा सा अच्छा बजट है एंड आप ऐसे कोई सुंदर मेकअप ब्रशेज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली ये वाले ब्रशेज़ है वो रेकमेंड करूँगी। एंड में ये मेकअप ब्रशेस मैं शेयर कर रही हूँ, ये थोड़े से है उस साइड पे, एक्सपेंसिव साइड पे, तो ये सिग्मा ब्यूटी के मेकअप ब्रशेस है, ये US की ही ब्रांड है और सिग्मा ब्यूटी ने ही मुझे ये भेजे थे ये ब्रशेस। एंड गाइस मतलब मैं क्या बताऊँ, ये ना पूरी लाइफ चलेंगे, इसको कुछ नहीं होता। अब देखो इसकी शाइनिंग देखो, उसका लुक देखो, सॉरी ये मैंने अभी यूज़ किया हुआ है, बाकी ये सारे क्लीन ब्रशेज़ मैंने दिखाए आपको, तो मैं आपको दिखाती हूँ F89 बेक कबूकी ब्रश। अगेन इतने स्मूथ, इतने डेंस और मतलब क्वालिटी का क्या कहना, और मेकअप तो आप देख ही रहे हो मेरे फेस पे हमेशा कितना फ्लॉलेस होता है। P89 बेक प्रिसिशन ब्रश, ये एक है पाउडर स्वीप F06 ब्रश, ये मैंने अभी भी यूज़ किया है ब्लशर एंड कॉन्टोरिंग के लिए, और ये है कंसीलर ब्लेंड कबूकी F79। ये फ़ैन ब्रश है जिसे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है अभी ही, ये है स्ट्रोबिंग फ़ैन ब्रश F42, एंड ये लास्ट वाला जो ब्रश है ये डबल एंडेड स्पूली एंड ये ब्राउज अप्लाई करने के लिए है। अगेन ये जो सिग्मा के ब्रशेज है ये नायका में भी मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं तो मैं आपको सिग्मा की ओरिजिनल US की साइट की लिंक्स भी दे दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से भी मंगवा सकते हो, और यहाँ पे नायका में भी मिलते हैं। शायद ये एक एक ब्रश 1500 या 2000 का है शायद, मतलब कम ज़्यादा होंगे बट एक एक ब्रश की उतनी है प्राइस, बट ट्रस्ट मी
बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल पैसा वसूल ये मेकअप ब्रशेज है। एंड ये मेकअप ब्रशेज को आपने मुझे शायद देखा होगा वीडियोस में इसे क्लीन करते हुए, ये दो क्यूट मेकअप ब्रश क्लीनिंग मैट्स। एंड ये मैंने देखा है कि अमेज़ॉन पे मिल रहा है। मैंने एक्चुअली इसे वेस्ट साइड से लिया था, पर जिनके सिटी में वेस्ट साइड नहीं है वो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ये देखिए सिलिकॉन मैट है और इस पर आप इस तरीके के देख सकते हैं। आपको ब्रश पे कोई भी फेस वॉश या डिश वॉश लिक्विड होगा उसे आप पानी में डुबो के करिए और इस पर आपको रब करना है तो जितनी भी प्रोडक्ट लगी होगी वो बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। और ये मैट में भी आप देखोगे ना तो आपको इस तरीके से जिगजैग दिखेगा, तो बहुत ही अच्छे से ये आपके ब्रशेस को क्लीन करता है। ये अफोर्डेबल भी है काफ़ी, तो इसको आप ऐसे फिंगर में पहन के इस तरीके से इसे वॉश कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपके पास है उसे अच्छे से केयर करना है, उसे क्लीन करना है, वॉश करना है, तो एक एक बार आपको ये चीज़ें लेनी है, बार बार नहीं लेनी है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर देना, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ना आपको लाइफ टाइम ये मेकअप ब्रशेस काम आएंगे। तो ये थे मेरे फेवरेट वाले मेकअप ब्रशेस जिसे मैं पिछले 6 सालों से यूज़ करती आ रही हूँ एंड एवरी 10-15 दिन में इसे वॉश करती हूँ। क्या सभी के लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, हो सके उतने दे दूँगी। और भी जो मेकअप ब्रश के सेट्स हैं मैंने देखे हैं, मेरे पास थे लेकिन मैंने गिव अवे कर दिए थे पास्ट में, क्योंकि एक इंसान कितने मेकअप ब्रशेस यूज़ करेगा। तो मेरे पास जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है मैं हमेशा लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो उसके भी फोटोग्राफ्स है वो मैं दे दूँगी आपको स्क्रीन पे भी। एंड मैं उसकी जो लिंक्स है अमेज़ॉन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल भी रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।